दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पद पर अभी भी बने हुए हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन जानकारी है कि एफआईआर में रेप की धारा नहीं जोड़ी गई है। महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब कांग्रेस ने भी करारा वार किया है। तो ये देखिए चार तस्वीरें जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस बीच पहलवानों से आज प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। धरना जारी है, तनाव अभी भी है। पहलवानों को एफआईआर की कॉपी मिल गई है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आ गया है। एफआईआर की कॉपी अब तक मेरे पास नहीं आई है, ऐसा उनका कहना है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, ये ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है। धरने के पीछे कांग्रेस का हाथ है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था और विश्वास है, और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है, और अभी यद्यपि एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी, और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उसके उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है, और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जांच एजेंसी जहाँ भी उचित समझेगी, उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है, जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। सुन बोला सा, और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है पप्पू यादव को बुलाने की? क्या जरूरत है केजरीवाल को बुलाने की? क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है? जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी कोरोना पर सवाल उठाएंगे। अब पूरा मामला पता नहीं क्या जंतर मंतर पहुंच गए? जांच का इंतजार कर लेते, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर लेते, तब जंतर मंतर पहुंचते।